अंजलिना कहती हैं कि हाउ टू मेक चेक एंड बैलेंस इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेसेस, कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस किस तरह कायम किया जाए। देखिए अब मुझे नहीं, नवाइयत का नहीं पता कि वो किस तरह के बिजनेस की बात कर रही है। चेक एंड बैलेंस के बगैर कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें देखिए हमारे हमारे यहाँ ट्राइंगल है एक बनी हुई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट हमारे सदर है। और जो आर्मी के चीफ हैं, राइट, उनको आपने गाए बगाए आते देखा है गवर्नमेंट में, राइट, वो आ जाते हैं जब उनका दिल करता है, वो समझते हैं कि शायद उन लोगों को अब कम है चांसेस। बस देखिए ये कभी भी ये ना कहें कि कम चांसेस हैं, जब तक हम ठीक नहीं होते चांसेस उतने ही हैं जितने वो 80s में थे, उतने ही चांसेस हैं 90s में थे, उतने ही चांसेस। जब अयूब खान के बाद लोग गए थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो लोगों ने यही सोचा था कि शायद अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो गया। फिर जब ज़िया साहब चले गए तो किसी ने नहीं सोचा था कि आमरियत ख़त्म हो गई, अब तो इतारा जल गया, ये हो गए, उनके साथी ख़त्म हो गए, फिर भी हो गए। तो ये ना कहें कि ख़त्म होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खासा आर्मी को आना चाहिए, नेवर टेक माई वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि हकीकत को देखना शुरू करें। हम खुशफहमी का और खुशख्याली का बहुत ख्याल रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। हम जो समझते हैं कि पार्टी जीतेगी, वो समझते हैं हाँ पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी टुमारो, कि हम सब जो है ना वो सारे 100% सीट्स ही हमारी होंगी। तो जब हम ये सोचते हैं कि आर्मी शायद बैरक्स में वापस चली गई, कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब रह गई सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, सदर और आर्मी, तीन एक ट्रायंगल ऐसी है जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो पाकिस्तान की सामियत है इसको प्रोटेक्ट करने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सिर्फ ये जो नारे ना, ये हमारे दुश्मनों के लगाए हुए नारे हैं। अगर पाकिस्तान नहीं रहता, खुदा ना खास्ता, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, राइट। पाकिस्तान अब देखें, हमने एक हिस्सा पाकिस्तान का गवा लिया ना, आज हम पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी कौम होते, हमने उनको ताने दे के कि वो अगर वो इतने ही बुरे थे उस वक्त, ये इस पाकिस्तान के लोग कहते थे कि वो हमसे हमारे पैसों पे पढ़ रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम उनके पैसों पे पढ़ रहे हैं। आज देखें उनकी करेंसी देखें हमारे देखें, उनका मैरिजन की देखें हमारे देखें। मैं लिटरली यूएई में था एक बार, मुझे एक टैक्सी ड्राइवर था बंगाली, उसने मुझे ताने दिया, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ, उसने मुझे ताने दिए कि आपके पास न्यूक्लियर बम के अलावा है क्या? वो टेक्सटाइल हमारे पास है, ये देखें आपकी करेंसी देखें। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिशियंस जो है ना, जो कहते हैं हम जेलेंगे, हमने ये किया वो किया, आप ना हरकतें करें ना जेल जाए। आप उस तरह की हरकतें करते हैं तो आपको कोई आके इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ता है ना, कभी शायद नहीं भी करते लेकिन कभी ना कभी तो करते हैं ना। पॉलिटिशियन तमीज सीख लें, एहतराम के साथ इस मुल्क के किए हुए लोगों के साथ वादों को निभाएं, ईमानदारी के सदके जो वो हल्फ लेते हैं कि मैं सदके दिल के साथ इस मुल्क की मुकलत है खुदादाद की हिफाजत करूंगा, वो करते हैं। अगर वो ये इकदाम ना करें पॉलिटिशियन, तो शायद आर्मी को ना आना पड़े। लेकिन सर आर्मी भी तो हलफ उठाती है, वो भी उनके हर फौजी से जो है साइन लिए जाते हैं कि मैं जो है मुल्क की सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा, ये सिविल गवर्नमेंट का जो काम है मैं उसी को करने दूंगा। आप मुझे भाई मेरे एक चॉइसेस बताएं। चॉइसेस ये है कि या पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है या मिलिट्री आके उसको बचा सकती है खाना जंगी से या बाहर के कोई महाज से। आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस लेनी चाहिए? व्हाट वुड यू पिक? ऑप्शन तो सर यही लगते हैं कि पाकिस्तान को बचाना चाहिए, जो मुशर्रफ का नारा था सबसे पहले पाकिस्तान, वो भी यही कहता था। खैर वो तो खैर मेरा ख्याल इतने सही नहीं थे उस चीज में, उनके अपने करतूतें बहुत ठीक ऐसी हैं कि जिनके, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, एक मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपके नजदीक आप ये देख रहे हो कि पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है, नहीं सारी बात है जमहूरियत से तो मुल्क ज्यादा है हमें, राइट, तो मुल्क का सोचें। जमहूरियत ये पॉलिटिशियंस के बनाए हुए नारे हैं कि जी जमहूरियत होनी चाहिए, ये टीवी स्टेशन पर बैठे हुए जो हमारे एंकर हैं इनके लिफाफे मिलते हैं इनको जमहूरियत में, और फौजियों से शायद इतने लिफाफे नहीं मिलते, तो शायद इनके, मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, आई डोंट थिंक दैट आई एम अगेंस्ट जमहूरियत,
मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट हो जिसमें लोग शहीद हो रहे हो सड़कों पे आके, या अफरा तफरी हो, या मार कुटाई हो रही, या बलोचिस्तान जैसे हालात हो, उसमें आर्मी आना बेहतर है या हम अपना मुल्क गवा के बैठ जाएं वो बेहतर है बांग्लादेश की तरह? ठीक, सवालात वो किया करें अपने आप को। देखें हमारा, हम पाकिस्तान को वो नहीं है। अब देखें अमेरिका एक सराउंडेड बाय ओशन, उसको एक तरफ एक ओशन है, दूसरी तरफ दूसरा ओशन है, वो प्रोटेक्टेड है, उसको ना तो कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स है जी, ना उसको इंटरनल कोई थ्रेट्स है, उनकी सोशल फैब्रिक है। हमारे यहाँ दोनों चीजें नहीं है। हमारे यहाँ हमें थ्रेट्स तीन जगहों से हैं, राइट, और हम बहुत गैर महफूज इलाके में हैं, और आपको पता है जारियत किस तरह की हो चुकी है हमारे खिलाफ अगेंस्ट, राइट, और हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो आपके सामने हैं कि बिक जाएंगे, जिस जब चाहें वो बिक सकते हैं। तो फिर जब इस तरह की नाजुक सूरत हाल हो तो कभी ना कहें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आई थिंक हमें ये कहना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो सबसे प्यारा है और हमने इसको प्रोटेक्ट करना, वट एवर इट टेक्स। ठीक, और अगर ये पॉलिटिशियन इंसान के बच्चे बन के काम करें, इंसानियत के नाते काम करें, तो देन पॉलिटिशियन शुड रन द गवर्नमेंट।